नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ जो जीरे का बिज़नेस है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको एग्जैक्ट किस मार्केट में जाना चाहिए, कैसे ख़रीदारी करनी चाहिए, कैसे जीरे की प्रोसेसिंग करानी चाहिए। देखिए, जीरा सिर्फ ख़रीदने से नहीं चलेगा, उसकी प्रोसेसिंग भी होती है। इसके बाद कैसे ट्रांसपोर्ट से आप अपने घर लाएं और फिर उसको कैसे ब्रांडिंग करें अच्छे से और सेल करें। यह बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और चूंकि इसको कम लोग मार्केट में जानते हैं, इसलिए इसको करना अच्छा भी होगा और आसान भी होगा। कंपटीशन कम है तो आसानी से हो भी जाएगा। डॉक्यूमेंट की बात करेंगे इस बिज़नेस में तो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको एक चीज़ और मैं ये बोल देता हूँ कि बहुत ख्याल रखें कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी बारीकियों को ज़रूर समझें, पूरा वीडियो देखें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। कोई भी बिज़नेस करने के पहले बिज़नेस को छोटा स्केल में स्टार्ट करें और फिर जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो उसको बड़ा करें। मैं हर बार ये वीडियो में ज़रूर कहता हूँ कि जिस प्लेस का मैं नाम ले रहा हूँ वहाँ आप ज़रूर जाएँ। बिना जाए बिज़नेस करना अपने आप से बेमानी होगी, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज़ को बहुत ही सही से समझना होगा। सिर्फ आप मतलब कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको कोई काम करना है तो आपको उसको ठीक से समझना होगा, उसकी बारीकियों को समझना होगा, तब आप अच्छे से एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, भारत में दो राज्य हैं, सभी को पता है कि जहाँ जीरा होता है अच्छा खासा होता है, वो है राजस्थान और गुजरात। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम ले रहा हूँ जो ऊझा गुजरात की मंडी है। आपको वहाँ अच्छे रेट पे, और चूंकि ये भारत की बहुत अच्छी मंडी है, बड़ी मंडी है जीरे के लिहाज से, तो यहीं पे जाना चाहिए। है ये कि आपको कैसे जाना है, तो जैसे आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, आप वहाँ से अपने कन्वेंस से या ट्रेन से या जैसे भी जाना चाहें आप इस मंडी तक जाएँ। फिर जो प्रोसेस होता है वहाँ पे वो मैं बताता हूँ कि जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे बोली लगती है, तो बोली लगने का अधिकार, लगाने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बोली वही लगा सकता है जिसका रजिस्ट्रेशन होता है या जो ऑलरेडी वहाँ से फिक्स होते हैं। तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप कोई जीरा की लॉट पसंद कर लें और जो वहाँ पे ब्रोकर होते हैं आप उनके थ्रू जीरा खरीद सकते हैं, बोली लगवाएंगे और जो बोली फाइनल होगी वो रेट पे आपको मिल जाएगा। ब्रोकरेज आपको 2% देना होता है, जो वहाँ का चार्ज है वो 2% है, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं है। एक चीज़ मैं और कह दूँ कि जो भी क्वालिटी लें, मैं हर बार कहता हूँ क्वालिटी एक नंबर लें। नए बिजनेस में क्वालिटी में कंप्रोमाइज ना करें ताकि आपको बेचने में आसान रहे। देखिए, क्वालिटी अच्छी होगी तो आप आसानी से बेच सकते हैं, फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो मल्टीपल वैरायटी रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टार्टिंग में आपको अच्छी क्वालिटी ही लेनी चाहिए। जब आप वहाँ पे खरीद लेंगे, और एक चीज़ और बताऊँ कि जीरे के व्यापार में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जीरा का फ्लेक्सिबल होना, काफ़ी रेट बढ़ भी जाते हैं और रेट घट भी जाते हैं, तो आप बहुत ध्यान से जाएं, बहुत समझ के पूरे मार्केट का एनालिसिस कर लें कि कितने कितने में क्या क्या रेट में आपका जीरा चल रहा है करेंटली, और आपके फुटकर में क्या जीरा चल रहा है, ये जरूर देख के जाएं। क्वालिटी बेस्ट लेनी है। और एक चीज़ और, रहने की बात, वहाँ समय दें, एकदम से जाते ही ना खरीद लें। ये मैंने हर बार हर बिजनेस आइडिया में मैं ये जरूर बताता हूँ कि आप वहाँ जाएं, हॉस्टल ले लें। हॉस्टल बहुत आसान होता है क्योंकि आपको हॉस्टल में खाने को भी मिलता है, रहने को भी मिलता है। जो स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाए जाते हैं उनको खोज लें, होटल को ना प्रेफर करें, क्योंकि आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग है, आपको स्ट्रगल करना चाहिए, आपको महीने भर वहाँ रहना चाहिए। तो महीने भर का एक हॉस्टल ले लें, 5,000 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें वो खाना नाश्ता चाय सब देगा और आपको रखेगा भी। तो वो हॉस्टल आपको मदद ये करेगा कि आप जाते ही कोई प्रोडक्ट ना खरीदें, आप वहाँ पे प्रोसेस देखें कि कैसे हो रहा है, कैसे खरीदी हो रही है, कैसी बेच रहे हैं, कौन सा रेट क्या चल रहा है। प्लस इसको खरीदने के बाद आपको उसको क्लीनिंग फैक्ट्रियों में डालना होगा, वो अपने आप आपके चले जाएगा अगर आप कहोगे।
तो आपको उसको क्लीन कराना जरूरी है। जीरा जितना ही क्लीन होगा उतनी आसानी से आपका बिक जाएगा। तो वहाँ पे क्लीनिंग फैक्ट्रियाँ जो आप आड़ती से लेंगे वो आप तक पहुँचा देगा, वहाँ तक का सिस्टम बता देगा, आप आसानी से क्लीनिंग फैक्ट्री में अपना जीरा क्लीन कराएं। खरीदने से पहले भी आप क्लीनिंग फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। रहने से फायदा एक और होगा कि जब आप वहाँ रहोगे तो आप गांव के क्षेत्र में भी जा सकते हो, जीरे की डीप नॉलेज ले सकते हो, किस जगह जीरा और सस्ता मिल सकता है ये आपको बातें पता चल जाएंगी। तो रहने से बहुत कुछ चेंजमेंट आएगा। आप कई ऐसे नंबर्स ले सकते हो, क्लीनिंग फैक्ट्रियों के नंबर ले सकते हो, पैकेजिंग वहां से ही करा सकते हो। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा जितनी अच्छी पैकिंग होती है उतने अच्छे दाम मिलते हैं। आपकी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है लेकिन अगर आपने पैकिंग डल कर दी तो फिर वो उसके दाम अच्छे नहीं होते। अगर आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट को बहुत अच्छा पैक किया है तो आपको बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, आपका प्रोडक्ट हाथों हाथ बिक जाएगा। क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या देखी जाती है, उसकी पैकिंग। जब आप कभी, आपने एक्सपीरियंस करिए कि जब आप कभी ट्रेन से उतरते हैं और जाके बुक स्टॉल जो स्टेशनों पे लगे रहते हैं तो खड़े हो जाते हैं तो क्या देखते हैं, बुक कैसे खरीदते हैं, क्या बुक पढ़ लेते हैं? नहीं, सिर्फ आप सबसे पहले जाते हैं उसका कवर पेज देख लेते हैं, जिसका कवर पेज ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आप उसको चूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद उस बुक में क्या है क्या नहीं है वो सेकेंडरी आती है। तो कस्टमर को आप एक बात ध्यान रखिए कि सबसे पहले उसका कवर दिखाइए, कवर अच्छा हो, और हमें चीट नहीं करना है, कवर के साथ अंदर प्रोडक्ट भी उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना वो कवर है। तो ऐसा मिसमैच ना हो कि कवर बहुत अच्छा प्रोडक्ट घटिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, या कवर मतलब आपका जो पैकिंग बहुत घटिया और प्रोडक्ट बहुत अच्छा, दोनों ही सूरतों में आपको अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट और कवर दोनों बहुत अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो आप जब वहाँ पे रहेंगे हॉस्टल में, आप जब 1 महीने देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छे ट्रांसपोर्टर से बात कीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन अच्छा ट्रांसपोर्टर कम पैसे में माल ले जाता है। इन सब बातों का बहुत वैल्यू है बिजनेस में। आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ जीरा खरीद के आप बिजनेस कर लोगे, नहीं। जब तक आप ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छे से बार्गेनिंग नहीं करोगे, जब तक आप क्लीनिंग में बार्गेनिंग नहीं करोगे, तब तक आपको मुश्किल है। क्योंकि आपको हर क्षेत्र में पैसे बचाने हैं तब आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। फिर क्लीनिंग में मैं आपको बता दूं, 20 किलो के लगभग लगभग 100 रुपये लगते हैं खरीदने के अलावा। जैसे मान लीजिए जिस रेट में भी आपने खरीदा तो 20 किलो के हिसाब से लगभग लगभग 80 से 100 रुपये के आसपास क्लीनिंग चार्जेस आ जाते हैं। लेबर हो गया, वहां से वहां तक ले जाना हो गया, ये सारे के सारे मिला के 100 रुपये के आसपास आ। तो इसके बाद क्या है, आप अपने यहाँ ले आइए, अच्छी ब्रांडिंग कीजिए और उसको होलसेल मार्केट में सेल कीजिए। एक चीज मैं यहाँ पे आपको और बताऊं कि आपको होलसेल मार्केट में ये काम करने के लिए, जो आपका मेन बाजार हो, जो आप जानते होंगे कि होलसेल किराना बाजार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां दुकान ले लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां ऑफिस बना लो, नहीं, लेकिन वहां बैठना स्टार्ट करो। किसी न किसी आड़ती के पास, जैसे मान लीजिए कोई मिर्चे का काम करता है, आप उसके पास रिक्वेस्ट करो कि मैं जीरे का काम करता हूं, मुझे भी जरा सी जगह दे दो। हो सकता है वो 1000 रुपये 500 रुपये आपसे ले ले, लेकिन आप वहां बैठने लगो। आपके पास माल है, गोडाउन तो कहीं भी बना लो, कहीं भी रख दो, लेकिन एक छोटी सी जगह बैठने की उस मेन मंडी में जरूर बनाइए, जहां पे आपका जिस शहर में, जैसे मान लीजिए भोपाल में, तो उस शहर का मेन मंडी आप चूज कर लो। रहो, मैं जैसे कानपुर से हूं तो नयागंज यहाँ की मूल मंडी है, वहां पे मैं एक छोटी सी जगह सिर्फ बैठने भर की, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप दुकान बना लो शुरू में, लेकिन बैठने की जगह बन जाएगी। आपका जब ही जीरा आएगा तो लोग आपको जानने लगेंगे, आपसे तुरंत जीरा खरीदने लगेंगे, आप एक अच्छे व्यापारी बन जाओगे। धीरे धीरे कब वो आपकी छोटी सी जगह कब एक बड़ी दुकान में बदल जाएगी, कब एक बड़ी आड़त में बदल जाएगी, आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो धीरे धीरे आप अपने काम को स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ाइए और कुछ समय बाद आप एक अच्छे व्यापारी बन जाएंगे। डॉक्यूमेंट की बात करें तो जब आप जीएसटी, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, एक आप वकील से मिलके या एक इंटरनेट कैफे वाले से भी मिलके आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। एक चीज़ और है कि अब आप सोचोगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद मंथली आपको रिटर्न भरना है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिजनेस नहीं भी करते हो तो 0 रिटर्न भरना होता है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते, आसानी से भर जाता है। तो इन सब बातों को और
जब आप पैकिंग करोगे तो पैकिंग के ऊपर FSSAI की लाइसेंस नंबर लिखना होता है, जो वो भी बहुत आसानी से बन जाता है, जो आपके जन सेवा केंद्र और इस टाइप के ऑनलाइन सेवा केंद्र होते हैं वो आसानी से बना देते हैं। तो आप घबराइए नहीं, आप काम स्टार्ट कीजिए। बस मेरा एक ये कहना है कि एक तो आप अपनी मेन मंडी पे छोटी सी बैठकी बनाइए, और दूसरा आप जहां जा रहे हैं पूजा मंडी जो आप जा रहे हैं वहां पे महीने भर जरूर रहिए, वहां के सिस्टम को समझिए। और रहने का भी मैंने खर्च एकदम हल्का कर दिया है, आप 5,000-4,000 में आराम से कोई हॉस्टल ले लें जो आपको खाना भी देगा और रखेगा भी। इस टाइप से अगर आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस में कभी असफलता नहीं लगेगी, आपको जरूर बिजनेस में सफलता मिलेगी। मैं जो आइडिया लाता हूं वो यही सोच के लाता हूं कि आपको एक नए आयाम पे पहुंचाए, आपको नई ऊंचाइयां दे, आपको बिजनेस में सफलता दे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अगले आइडिया तक आपसे विदा चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।